150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के शिवम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाखों लोगों की दुआ काम कर गई। करीब 8 घंटे तक लगातार चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को 2 पाइप के सहारे बाहर निकाला गया। शिवम रोता हुआ बाहर आया। अभी वो होश में है। रेस्क्यू के बाद उसे एम्बुलेंस से पावापुरी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम उसकी जांच कर रही है। डॉक्टरों ने बताया कि शिवम खतरे से बाहर है। इस पूरे मामले में डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, बच्चे को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने पूरे ऑपरेशन को सही और समय के हिसाब से चलाया। उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया। डीएम ने कहा कि इस काम के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह प्रशिक्षित थी और कई मशीनों की मदद ली गई। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की भूमिका की सराहना की और कहा कि शिवम को दूसरी जिंदगी मिली है। हम आपको बता दें कि नालंदा में सुबह 9 बजे से बोरवेल में फंसे 4 वर्षीय शिवम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जाता है कि मासूम शिवम खेलते खेलते सुबह 9 बजे बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए 4 जेसीबी मशीनें लगाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे अब खतरे से बाहर है। देखिए बोरवेल में फंसे शिवम को किस तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। एक बार सेट तो कर लेते यार। गजब हाल है भाई आप लोगों का। बच्चा सही सलामत।